हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉगर। मैं हूँ प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप रियली कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सच संवर के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैंने शाम को फोटो शूट हुआ था। कल है सावन का पहला सोमवार, तो उसके लिए मैंने महाकाल वाला टीका लगाया एंड मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। और इसका सेट नंबर है 07 जो स्विस ब्यूटी का है, तो मैंने लगाया हुआ है। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू और भिंडी की ग्रेवी वाली सूखी सब्जी एंड रोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ना आज दिन में मैंने खाना खाया था, 1 बजे लंच किया था एंड उसके बाद पेट इतना हैवी अभी लग रहा था ना कि कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। तो मैं रोटी एंड सब्जी बनाऊंगी सूखी सिंपल वाली, तो आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस गेटअप में कैसे, मैं अभी तक जितने वीडियो मेरे देखे हैं आप लोगों ने जिसमें मैं सिर्फ कुर्ती सूट यही सब पहनी हुई हूँ, मैंने किसी में टी शर्ट नहीं पहना हुआ है, तो आज मैं अपने वीडियो में टी शर्ट पहनी हुई हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे था कि जब फ़ोटो शूट था उससे पहले मैं मतलब सुबह नहा के मैंने सूट कुर्तीज़ पहना हुआ था एंड मैंने बाद में चेंज किया। फ़ोटो शूट के टाइम मैंने सूट पहना हुआ था, मैं कुर्ती वो भी पहना हुआ था, येलो वाला कुर्ती जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मतलब कि जैकेट था एंड रेड कलर की कुर्ती थी वो पहना हुआ था। तो मैंने जब वो चेंज किया तो मैं बोली कि लाओ टी शर्ट पहन लेते हैं, और ये भी टी शर्ट मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। तो मुझे मन हुआ कि लाओ आज टी शर्ट पहन। टी शर्ट मैं पहनती हूँ बट कभी कभी रेयर केस में पहन लेती हूँ, बहुत गर्मी होती है तो पहन लेती हूँ कभी, क्योंकि सूट वूट पता है ना बहुत अजीब लगता है कि बहुत गर्मी होता है तो एकदम माइंड एकदम ना मतलब घबरा सा जाता है कि कितना गर्मी हो रहा है, जैसे उलझन होता है उस टाइप से। तो मैं कभी पहन लेती हूँ कुर्ती, तो यही है। और पता ही है कि हम लोग गांव में रहते हैं एंड गांव में रहने के साथ हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि कोई बोले कि उनकी लड़की जींस पहनती है। और बहुत ख़राब स्थिति है गांव की, पता है कि कोई जींस पहनता है तो अलग अलग कमेंट करते हैं लोग कि उनकी लड़की जींस पहनती है, उसके पहनने का ये तरीका है, पहनावा ऐसा, क्योंकि गाँव में चाहे भी पहनावे के लोग लेके लोग कोई जज करे हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसा देश वैसा वेश, हम लोग सूट में अच्छे लगते हैं और सूट अच्छा लगता है, अगर अपना मन हो तो सब कोई कुछ ना कुछ पहन लेता है, मतलब जो उसको मन करता है, लेकिन मुझे सूट एंड कुर्ती बहुत अच्छा लगता है तो मैं वही वेयर करती हूँ। और मैंने आज टी शर्ट पहना हुआ, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा अच्छा लग रहा हो तो। मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एंड मैंने लगाया हुआ है तो कुछ अच्छा दिख रहा है, ग्लोई ग्लोई सा फेस दिख रहा है। बहुत गर्मी है आज, तो बहुत तेज़ धूप हुआ था, तो मैं अभी मतलब रात का डिनर बनाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि आज पता है गर्मी की वजह से बहुत हरासमेंट लग रहा है एंड लग रहा है कि कितना थकान सा हो गया है। और मैंने मेहंदी लगाई हुई है, देख सकते हैं आप, क्योंकि सावन में बोला जाता है कि मेहंदी लगाया जाता है, तो मैंने दिन में मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने मेहंदी लगा ली कि ऐसे ही, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, बहुत शौक है। मुझे मन होता है कि मेहंदी मेरे हाथ से छूटे ना, इतना शौक है मुझे मेहंदी का, मैं हमेशा लगाती रहती हूँ मेहंदी और खुद से भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, मतलब काम चलाने भर का तो खुद से लगा लेती हूँ, तो मैंने लगाया। और चलिए किचन में चलते हैं, सब्जी और रोटी बनाऊँगी, तो सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सिंपल ईजी वे में बन जाता है लेकिन बहुत यम्मी होता है। और अगर भिंडी थोड़ा सा जब हमारा होता है कि बहुत नाजुक से थोड़ा कड़ापन आ जाता है भिंडी में ना, तो उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी यम्मी होती है और खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल से मैं बनाती हूँ खाना, आप लोग को पता ही है, और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग की देन है जो मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैं आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी आगे चल के, भगवान करे कि आप लोग ऐसा मेरा सपोर्ट करते रहें कि मैं कैसे आई, अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी है मेरी, तो मैं शेयर करूँगी। और आप लोग के प्यार सपोर्ट से हमेशा मैं स्माइल करती रहती हूँ, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे ताकि मेरे फेस की स्माइल ऐसे बनी रहे। तो चलिए किचन में चलते हैं, और बहुत बातें कर ली, आप लोग सोचेंगे कितनी बड़बड़ा रही हूँ, तो बहुत बातें कर ली, चलिए किचन में चलते हैं, बाय बाय। सो गाइज, मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, मतलब कि सूखी सब्जी मसाले वाली। तो यहाँ मैंने भिंडी को बड़े स्लाइस में काट लिया था, एक भिंडी से 2 पीस मैंने किए थे एंड पंचफोरन और प्याज का तड़का देके मैंने भिंडी को छौंक लगा दी थी। एंड भिंडी जब हमारी 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भुन गई थी तब हमने इसमें ऐड किए थे कुछ आलू जो कि मैंने बड़े टुकड़े में काटे हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ आलू ऐड कर देने के बाद इसको अच्छे
अच्छे से चलाना है। क्या बोलती हूँ यार, बोलने भी नहीं आता, अच्छे से चला लेना है। एंड नॉर्मली मसाले हम लोग जो सब्जी में डालते हैं वही डालना है, कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है मैंने। और मैंने पहले भी बताया कि आप लोग के सब्जी के टेस्ट के बाद मेरी सब्जी की टेस्ट होती है, क्योंकि मैं सिल्वर मसाले पीस के डालती हूँ एंड मेरे वहाँ सिलवट्टा ज़्यादा यूज होता है। एंड ऐसा नहीं है कि है नहीं, बताया ही है मैंने कि मेरे वहाँ मिक्सर है, बट सिल्वर पे पीसने वाला मसाले का टेस्ट बहुत शानदार होता है। तो इसके लिए, और यहाँ मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और एक बात कि पानी डालने के बाद इस सब्जी को बहुत नहीं चलाया जाता है, पहले भी बहुत नहीं चलाया जाता है, लेकिन पानी डालने के बाद खासकर बहुत केयरफुल चलाना होता है, क्योंकि भिंडियाँ टूट जाती हैं और अलग अलग इसके मतलब पार्ट हो जाते हैं, लच्छे जो है ना जैसे दिख रहे हैं वैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो बहुत यमी होता है, आप इसको पूरी पराठा रोटी कैसे भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तब इसका मज़ा और आता है खाने में चावल के साथ। बट मैं सूखा बना रही थी क्योंकि रोटी के साथ हम लोग को खाना था, तो मैं सूखी सब्जी बना रही थी। और यहाँ कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी लग रही है, बट खाने के लिए हम लोग के लिए अच्छी थी। और यहाँ सब्जी बन के तैयार है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज लग रहा है क्योंकि पक गई है भिंडी अच्छी तरीके से, तो भुनने के बाद भिंडी का कलर वैसे भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ बना लिया था मैंने सब्जी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो सबको सावन के पहले सोमवार और सावन पूरे सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बाबा महादेव सबकी मुरादें पूरी करें। और जो भी यूट्यूब पे है, बड़ा यूट्यूबर बन जाए एक दिन, मेरा विश यही है सबके लिए, क्योंकि आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो मैं आप सबको लिए, आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि आप लोग का चैनल एकदम से बूस्ट हो, ग्रो हो जाए और बहुत अच्छे से चले। तो ये यार, मैं रात को ना वो नहीं की थी, रिमूव नहीं किया था कुछ मैंने, क्योंकि मुझे सुबह ही नहा लेना था, तो मैं बोली छोड़ो जाने, तो लिपस्टिक ही तो बस लगाई थी एंड चंदन से कुछ इफेक्ट होता नहीं है, तो मैं बोली कि सुबह ही करते हैं। तो यही, और सुबह के मैं जग गई थी 5:30 बजे, अभी हो रहा है 6:15। तो यही है, और आज जाएंगे मंदिर क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप रियली कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।